सो यू गाइस एंड वेलकम बैक। अब तुम सबको पता है कि ड्रैगन बॉल इतना कमाल का क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत कमाल के फाइट्स हमको दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल देखने में सच में मजा आता है। पर क्या और भी चीज़ें जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल कमाल का बनता है? तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल कमाल का बनता है। तो हम लोग पहले रीजन से शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि जो ड्रैगन बॉल है वो इमोशंस को फील कराता है। आई मीन बस फाइट ही नहीं होते, उसमें इमोशंस भी फील होते हैं। हाँ, इसमें जो कैरेक्टर्स है उनकी डेथ हमें ज़्यादा हिट नहीं करती, क्योंकि उनके डेथ होने के बाद ड्रैगन बॉल से फिर से जिंदा हो जाते हैं। पर और कई सारी चीज़ें जैसे कि केयर करना, एक दूसरे से प्यार करना, वो सब इमोशंस होते हैं, और वो सब इमोशन हमें एपिसोड के थ्रू फील होता भी है। और मैं बात करूँ सेकेंड रीजन की, तो सेकेंड रीजन ये है कि जो कैरेक्टर जो पावर रिजर्व करता है उसको मिलता है। आई मीन अगर गोकू को सुपर सैयन ब्लू मिला है तो वेजिटा को भी सुपर सैयन ब्लू मिलता है, क्योंकि वेजिटा रिजर्व करता है, वो भी काफ़ी मेहनत करता है, तो उसको भी सुपर सैयन ब्लू मिलना चाहिए। और जैसे कि आप तुम देख सकते हो कि भाई जैसे गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिला, तो वैसे ही गोहान को 20 गोहान मोड मिला, मतलब 20 गोहान मोड मिला। तो हाँ, जो जो उस कैरेक्टर जो डिजर्व करता है उनको मिलता है, जिसकी वजह से मतलब अच्छा लगता है कि भाई जो कैरेक्टर डिजर्व करता है उनको मिल रहा है उनकी पावर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और नंबर वन जो है वो है गोकू को रिलेटेबल बनाना। सॉरी, नंबर वन नहीं, नंबर थ्री रीजन जो है वो गोकू को रिलेटेबल बनाना, कि भाई जो गोकू है वो काफ़ी ज़्यादा हम सब रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि भाई गोकू हमारी तरह ही तो है। आई मीन गोकू इंप्रूव कर रहा है, वो डे बाई डे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खुद को और भी पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम भी करते हैं। आई मीन हम खुद भी पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन पावरफुल नहीं, हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा स्किल्स है जिस पर हम उस स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो गोकू का जो स्किल है फाइटिंग स्किल, वो इसको इम्प्रूव करता है, और हम जो हमारे हमारा जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम लोग इम्प्रूव करते रहते हैं। तो हम गोकू के साथ रिलेट कर पाते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग कभी बंद नहीं करता अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो हम भी क्यों बंद करें भाई, हम भी अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, हम अपने टैलेंट पर काम करते रहेंगे, हम डे बाई डे बेहतर बनते रहेंगे। तो जिसकी वजह से हमें गोकू को देख कर एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल देख के हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।